हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू टीच प्रोनाउन टू योर किड्स। प्रोनाउन बच्चों में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चे को नाउन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को नाउन का कंसेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आ रही हो तो मैंने अपने चैनल एग्जाम्पल्स एंड वर्कशीट के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। इफ यू वॉन्ट देन यू कैन चेक इट आउट। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोनाउन। बच्चे को जब भी आप ग्रामर का कोई लेसन पढ़ाते हो तो आप कभी भी डेफिनेशन पहले ना दें, बिकॉज दिस इज टोटली अननोन टू हिम हर। तो आप पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दें जो कि बच्चों के लिए नोन है, तब हम उससे डेफिनेशन की ओर जो कि अननोन है उसकी तरफ लेके मूव होंगे। सी सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। गीत इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो बच्चे को ये पता होगा कि गीत इज नाउन हेयर, गीत इज नेम, तो ये यहाँ एक नाउन है। तो हमको बच्चे को ये पूछना है कि गीत नाउन है, गीत इज अ गर्ल, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा या फिर आप उसे समझाने की कोशिश करिएगा कि गीत इज अ गर्ल, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, शी। क्या यूज कर सकते हैं, शी। तो शी जो है यहां वो एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि इसने गीत जो नाउन है उसकी जगह ली है। जो भी वर्ड्स नाउन की प्लेस लेते हैं या नाउन को रिप्लेस करते हैं वही प्रोनाउन होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हेयर शी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गीत विच इज अ नाउन, राइट। मयंक प्लेस इन द पार्क, हेयर द नाउन इज मयंक, बिकॉज मयंक एक नेम है, मयंक इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ बॉय। तो हमें बच्चे को इस तरह से समझाना है कि मयंक इज ए बॉय, मयंक एक लड़का है। बॉय की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही प्लेस इन द पार्क, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा। तो मयंक जो एक नाउन है, क्या है, मयंक इज अ नाउन, इस नाउन के जगह हमने क्या यूज किया, ही। तो ही यहां क्या हो गया, ही हो गया प्रोनाउन, क्या हो गया, प्रोनाउन। द डॉल हैज ब्लू आईज, द डॉल इज टॉल, तो यहां कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, द डॉल, द डॉल। तो हमें बच्चे को यह समझाना है कि यहां नाउन क्या है, द डॉल। तो हम इस नाउन को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, डॉल के लिए क्या यूज होता है, ही शी इट का कंसेप्ट। इससे पहले कि बच्चा प्रोनाउन का कंसेप्ट सीखे उसे ही शी इट का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो डॉल, द डॉल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इट, बिकॉज डॉल इज अ थिंग, ये एक सामान है, तो हम क्या यूज करेंगे, इट। सिंस द डॉल इज अ नाउन, डॉल एक नाउन हो गया, तो उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वो सामान है, एक थिंग है, तो उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इट, और इट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा प्रोनाउन। तो यहां क्या हो जाएगा, इट हैज ब्लू आईज। अब वही चीज हम फिर से पढ़ेंगे इसी सेंटेंस में, द डॉल इज टॉल, द डॉल हैज ब्लू आईज, द डॉल इज टॉल। तो हम इस डॉल को बार बार नहीं लिखकर हम इसके बदले क्या यूज करेंगे, इसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इट के साथ, और ये जो इट है यही प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस प्रोनाउन, डॉल इज अ नाउन और इट जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि नाउन के प्लेस में हम यूज करेंगे वो होगा प्रोनाउन। इट इज टॉल, द प्लेयर्स आर रनिंग, हेयर द नाउन इज, यहां हमें बच्चे से पूछना है कि नाउन क्या है, तो बच्चा बोलेगा द प्लेयर, प्लेयर्स आर नाउन हेयर, क्योंकि ये पर्सन है। तो हम अब इस नाउन की जगह, द प्लेयर्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं, दे, क्या यूज कर सकते हैं, दे आर रनिंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा। तो ये जो दे यहां आया नाउन के प्लेस में, दैट इज अ प्रोनाउन, वही प्रोनाउन है। एमा एंड कीर्ति आर फ्रेंड्स, हियर एमा एंड कीर्ति बोथ आर नाउन, ये दोनों नाउन है,
तो इनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दे। इनकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, दे। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा, दे आर फ्रेंड्स। तो ये हो गया एमा एंड कीर्ति नाउन, एमा एंड कीर्ति नाउन हो गए, और उसकी प्लेस में जो यूज हुआ दे वो एक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। अब जब बच्चों को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझा दिया है कि जो भी वर्ड्स नाउन के प्लेस में आएंगे उनको रिप्लेस करेंगे वो प्रोनाउन होंगे, अब हम बच्चों को डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस और रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसी भी नाउन की जगह लेता है या फिर उसको रिप्लेस करता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में अभी देखा। तो अब बच्चे को पहले एग्जाम्पल सिखाइए, डेफिनेशन उसके बाद बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चों को डेफिनेशन मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई हैव वन फन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोनाउन। तो बच्चों को ये जो फन एक्टिविटी होती है ना वो बहुत अपीलिंग लगती है, और इन सीखने की जो क्यूरोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ये स्टिम्युलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने क्या किया है कि एक हेक्सागन शेप का एक फ्लावर बना लिया है, उसमें पेटल्स लगाए हुए हैं। तो इसमें क्या लिखना है, अगर आप चाहें तो इस पेटल्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इस तरह के कलरफुल पेपर कट करके पेस्ट करें। तो यहां हमने क्या लिख दिया है, ही इज अ प्रोनाउन हियर। हमें बच्चे को ये पूछना है कि उन नाउन्स को कलेक्ट करना है यहां जिसके बदले में हम ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे सबसे पहले बताएंगे बॉय, फिर आप भी स्टिम्युलेट कर सकते हैं मिस्टर, फादर, सर, अंकल हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। इस तरह से बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगेंगे और उनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर ग्रेजुअली होता जाएगा। नेक्स्ट इज दिस शी। हमें बच्चे से ये पूछना है कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनके बदले हम शी यूज कर सकते हैं, जिसकी प्लेस पे हम शी यूज कर सकते हैं। तो हम बच्चे को स्टिम्युलेट करेंगे गर्ल, मदर, आंट, मिसेस, सिस्टर, सीता। बच्चे और भी गर्ल्स के नाम लिखेंगे, एंड मदर लिखेंगे। बच्चे को ये समझ में आने लगेगा कि किन नाउन्स की जगह पे उनको शी यूज करना है। कौन से वो नाउन है जिसको इट रिप्लेस कर सकता है, पेंसिल, टॉय, बुक, एप्पल, प्लेट, टेबल। दे किसकी किसकी प्लेस ले सकता है, क्लास फेलोज, अंकल एंड आंट, बिकॉज दो लोग हैं ना। तो इसमें हम बच्चे को समझाएंगे कि दे मतलब वे, हिंदी में वे, ड्राइवर्स प्लूरल में आ जाएंगे, कजन्स, माय फ्रेंड्स, टिया एंड सिया। टू प्रोनाउंस उसके पहले हम बच्चे को एक बार ये बता देंगे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये प्रोनाउन है, बिकॉज ये नाउन की प्लेस लेते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट इज मैच द वर्ड्स विद द प्रोनाउन। हमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको प्रोनाउन के साथ मैच करना है। दीज आर नाउन्स, तो ये नाउन की जगह में हम किन प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं उनसे हमें मैच करना है। द गर्ल इज अ नाउन, इसके प्लेस में हम कौन से प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज शी, राइट। अ कैट, कैट इज एन एनिमल, और एनिमल के लिए हम हमेशा किस प्रोनाउन को यूज करते हैं, इट। यू एंड आई, तुम और मैं, तो इसके बदले हम किसको यूज करेंगे, किस प्रोनाउन को यूज करेंगे, तुम और मैं हो गया हम, हम मीन्स वी। द बॉयज, बॉयज हियर आर प्लूरल, लड़के, तो लड़के के हम लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे, इंग्लिश में दे और हिंदी में हो गया वे। पीयूष, पीयूष इज ए बॉय, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही। टिक द प्रोनाउन्स दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। सीमा पुट्स द बुक्स ऑन द टेबल, हियर सीमा इज नाउन, तो इन प्लेस ऑफ सीमा हम किस प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, मी, अस, इट, शी।
Obviously, she, because Seema is a girl. The children are running. Children here are noun. तो हम children के place में कौन सा pronoun use करेंगे? It, they, he और she. It तो use नहीं होगा because ये object तो नहीं है. He भी use नहीं होगा because children is not a name of a particular boy or girl. She भी use नहीं होगा because it is not the name of a girl. पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर गर्ल. तो यहां क्या जाएगा? दे आर रनिंग. आकाश हैज टू डॉग्स. इन प्लेस ऑफ आकाश, आकाश इज अ नाउन. इन प्लेस ऑफ इट विच प्रोनाउन कैन बी यूज? शी इज अ बॉय सो वी कैन यूज ही इंस्टेड ऑफ आकाश. ही हैज टू डॉग्स. द बुक इज इंटरेस्टिंग. बुक हियर इज द नाउन. And book is the name of an object. And what can be used in place of the book? कौन से pronouns को use कर सकते हैं हम? She, them, it or they. Obviously, it. Because it is the name of an object. Worksheet number 3. Fill in the pronouns. इसमें बच्चों को pronoun fill करने हैं. He, she, it or they. Mother. Mother is a noun. तो इस noun की place में हम किस प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसके प्लेस में हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? शी. आंट. इसके प्लेस में कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? अगेन शी. बॉय. इसके प्लेस में कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही. पेन. सिंस पेन इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक सामान है, इसके प्लेस में कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट. बटरफ्लाई. लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज अ प्लेस, ये एक प्लेस है, नाउन है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? इट. मॉम एंड आई. माँ और मैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं हम, तो हम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी. ऋषि. ऋषि इज अ बॉय, तो इसके प्लेस में हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही. एना एंड रिया. हियर आर टू नाउन, दो नाउन है, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? दे, जिसको हिंदी में हम वे कहते हैं. फादर. फादर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही. इफ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो इसे लाइक जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.